नमस्कार, मैं प्रेरित सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं हिमकॉम न्यूज। इन दिनों राम मंदिर के निर्माण को लेकर कई आंदोलन देखने को मिल रहे हैं। जहां हाल ही में अयोध्या में साधु और संतों ने धर्म सभा की थी, तो वहीं बीते रोज एक बार फिर दिल्ली में रामलीला मैदान में विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू सभा का धर्म आयोजन किया। धर्म सभा में साधु और संतों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुलेआम चुनौती दी थी। साधु और संतों ने पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा था कि जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण नहीं होता है तो फिर 2019 में किसी भी हाल में बीजेपी सरकार नहीं बनेगी। आपको बता दें कि बीजेपी ने धर्म सभा में 1,00,000 से ज्यादा लोगों के पहुंचने का दावा किया। आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद के मामले में सुनवाई की तारीख को जनवरी तक के लिए टाल दिया था। उसके बाद देश भर के साधु और संतों ने अयोध्या में एक धर्म सभा का आयोजन किया और मोदी सरकार ने राम मंदिर निर्माण के लिए अध्यादेश लेने की अपील की है। दिल्ली में हुई बीएचपी धर्म सभा के आप किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जो दर्शक पहली बार हिमकॉम चैनल देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।